हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपराज चंद्राकर और आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के जो क्रैश कोर्स चल रहे हैं गेट एकेडमी यूट्यूब चैनल पे वो देख रहे हैं। ठीक है, तो आज बहुत ही अच्छा दिन, हैप्पी इंजीनियर्स डे मैं फील कर सकता हूँ। ये दिन आप भी फील कर सकते हैं क्योंकि आप टेक्निकली इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपको अगर मैं बोलूँ, है ना, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जिस तरीके से आपको, ऐसा तो है नहीं कि बात किसी से छुपी हुई है कि मतलब जो इंजीनियर्स की तादाद है वो कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या रखता है, इम्पोर्टेंस ये रखता है कि भाई जो वाकई में इंजीनियरिंग ये सोच के लिए थे कि मुझे टेक्निकल फील्ड में आगे जाना है, मुझे टेक्निकली कुछ करना है, तो उनके लिए ना ये दिन बहुत बढ़िया रहता है। और जितने लोग टेक्निकली प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये फील होता है, ये दिन फील होता है। जैसे आप लोगों से कभी डिस्कशन होता है मशीन वगैरह का, तो आप लोग एकदम फील कर पाते होंगे, अरे यार वाह मजा आ गया। ठीक, तो इस तरीके की चीजें ऑब्वियसली हम लोग ही फील कर सकते हैं, ठीक है ना, बाकी कोई फील नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाई हैप्पी इंजीनियर्स डे। ठीक है भाई, पढ़ते हैं, अभी तो पढ़ते हैं, है ना, ये सब चीजों के बारे में हम लोग बहुत बात तो करेंगे, है ना, बहुत सारी बातें करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट है फिलहाल स्टडी, उसके बाद आप आगे जाइए, आप पूर्ण रूप से इंजीनियर बनिए। देखिए, डिग्री लेना इज नॉट इंजीनियर, है ना, मतलब डिग्री ले लिया और इंजीनियर बन गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वाकई में उस काबिल बनना, और जिस तरीके से अभी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कॉम्पिटिटिव इंडिया है, जिस तरीके से कॉम्पिटिशन है इंडिया में, तो मुझे लगता है कि अपने आप को भीड़ से अलग करना। पहले तो आपने इंजीनियरिंग किया, लेकिन इंजीनियरिंग किए तो उसमें भी भीड़ में ही रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अब जो ये जो पड़ाव आप पार करेंगे अगर गेट एग्जाम का, है ना, यहाँ से अगर आप पार होंगे तो एक भीड़ से अलग हो जाएंगे। ऑब्वियसली यार, आप भीड़ से अलग हो जाएंगे, आपको उस वे में देखा जाएगा, आपकी बात सुनी जाएगी, एंड आप जो काम सोच रहे हैं वो काम करने में एबल होंगे। मुझे लगता है ये चीज होंगी आप लोगों के साथ, अगर हम साथ हैं तो जरूर कर लेंगे। ठीक, ठीक है भाई, पढ़ाई करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, मिलिंग के बारे में बात किया था, और मिलिंग के बारे में अगर मैं बोलूँ, जैसे कि आप लोग जो डाउट पूछ रहे थे, है ना, किसी का मैं कमेंट देखा, यार क्वेश्चन पढ़ो यार, मैं लगाते समय भी क्वेश्चन पढ़ा हूँ और पूरे लेक्चर में हर चीज़ एक्सप्लेन्ड है। मुझे नहीं लगता कि वो डाउट का रिप्लाई करना चाहिए, और अगर ऐसा है तो वो आप थोड़ा सा ना इम्प्रूव कीजिए। क्यों? क्योंकि कंपटीशन की बात हो रही है यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी की बात है, ये कंपटीशन की। आप सोचिए कि ऐसा है क्या, जैसे कि कोई कह रहा था कि सर ओवर ट्रैवल और अप्रोच लेंथ सेम कैसे ले लिया, अरे भाई क्वेश्चन में दिया है, क्या आपके पास ये पीडीएफ है क्या? ये है, और जिनके पास नहीं है वो टेलीग्राम से लेना। मेरे ख्याल से इसमें परमिशन का कुछ, बहुत लोगों का मैसेज जिस तरीके से आ रहा है ना, तो मैं सॉल्व करने के लिए कहा था लेकिन अभी तक नहीं हो पाया मुझे लगता है। तो आप टेलीग्राम से ले लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ऑफिशियल चैनल। ठीक, जितने ज़्यादा लोग ऑफिशियल चैनल में होंगे उनके लिए उतना एडवांटेज होने वाला है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें लेके आएंगे। और मुझे लगता है जैसे ही टेलीग्राम चैनल 10,000 पार होगा और अच्छी चीज देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये तो खैर पार्ट है ना, ये रहेगा ही रहेगा, हमारे प्लानिंग का हिस्सा है। सो मेरा कहना ये है कि आपको जब भी डाउट आता है ना, आप पहले सोचिए सोचिए, क्योंकि ये जो पोर्शन रहेगा आपका कि डाउट आया मुझे सोचना है उसके बाद सॉल्व करना है, सो ये इंटरव्यू में भी आपका काम आने वाला है। क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन पूछा व्हाट इज स्ट्रेस, तुरंत ऐसा बोले नहीं, थोड़ा देर सुनिए पूरा क्वेश्चन कि क्या पूछा जा रहा है ना, और उसके बाद आंसर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। सिमिलरली जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत ध्यान से पढ़िए, पूरा क्वेश्चन एनालाइज कीजिए, है ना, ये प्रैक्टिस से ना आपका टाइम रिड्यूस होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी, और गेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों से ग्राइंडिंग के बारे में बात करूंगा। ग्राइंडिंग के बारे में बात करूं, अगर मैं ग्राइंडिंग के बारे में बात करूं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक व्हील होता है ग्राइंडिंग व्हील, एंड दैट विल बी इन द रोटेशनल मोशन, है ना, वो रोटेटिंग मोशन में रहेगा। सो आपका इस तरीके से कोई व्हील रहने वाला है,
ये हो गया आपका वर्क पीस एंड दिस इज नोन एज ग्राइंडिंग व्हील। ये ग्राइंडिंग व्हील होगा, ठीक। अगर मैं बात करूं ग्राइंडिंग व्हील में, तो यहां पे एब्रेसिव्स रहते हैं, इस तरीके से उसके अंदर भी एब्रेसिव रहेंगे। सो जो आपके पेरिफेरी में, व्हील के पेरिफेरी में एब्रेसिव दिख रहे हैं, ये वाले, ये कहलाते हैं एक्टिव एब्रेसिव, ये कहलाते हैं एक्टिव एब्रेसिव। और इसी को बोलते हैं ग्रेन्स, एक्टिव ग्रेन्स और एक्टिव ग्रिड्स, ग्रिड्स दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्टिव ग्रिड्स, एक्टिव एब्रेसिव, एक्टिव ग्रेन्स। मेनली जो कटिंग होगा जब ये रोटेट होगा, तो ये जो एब्रेसिव है वो वर्कपीस पे आएगा और वर्कपीस से वो मटेरियल कट करके निकालेगा। इन जनरल अगर मैं बोलूं तो एब्रेसिव का या तो निगेटिव रेक एंगल होता है या तो बहुत कम पॉजिटिव रेक एंगल होता है। ऐसा नहीं कि एकदम पॉजिटिव रेक एंगल देखने को मिलेगा, है ना, वो तो खैर रैंडमली ओरिएंटेड रहता है। ऐसा नहीं है कि एकदम आपको प्रॉपर ओरिएंटेशन उसमें देखने को मिलेगा, वो रैंडमली ओरिएंटेशन रहता है उसका जो एब्रेसिव रहते हैं। अब होगा क्या कि जैसे ही ये घूम रहा है तो ये वर्कपीस पे आके टच करेगा और वर्कपीस पे एक फोर्स लगाएगा और वहां से मटेरियल निकालना शुरू करेगा। सो वर्कपीस पे अगर फोर्स लगाएगा तो वर्कपीस ग्रेन्स पे भी फोर्स लगाएगा और एक टाइम के बाद वो जो ग्रेन है, है ना, ये ग्रेन के जो एजेस हैं, है ना, जो आपके एक्टिव ग्रेन्स जो दिख रहे हैं उसके एजेस जो हैं वो ब्लंट हो जाता है, ब्लंट हो जाता है और उसके बाद कटिंग नहीं हो पाता। So, ये जो पूरा व्हील है वो जो सरफेस जिससे कट कर रहा था वो ब्लंट हो गया, है ना, एब्रेसिव गेट्स ब्लंट। आफ्टर सम टाइम तो उसके बाद कटिंग होगा नहीं, उसके बाद कटिंग होगा नहीं। अगर कटिंग होगा नहीं, है ना, तो व्हील वहीं पे सिर्फ घूमते रह जाएगा और मेनली जो ब्लंट हो गया है ना आपका व्हील, जो आपका ब्लंट हो गया है, दैट इज नोन एज ग्लेजिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। इसको कहते हैं ब्लंट होने के बाद ये कहलाता है ग्लेजिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ग्लेजिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ये कहलाएगा ग्लेजिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ठीक। देखिए अब ग्लेजिंग हो गया, अब और मैं फोर्स बढ़ाते जा रहा हूं, फोर्स बढ़ाते जा रहा हूं, मे भी एक टाइम आएगा, है ना, ये हमेशा जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है हार्डनेस ऑफ द व्हील। अब मैं सारी चीजें धीरे से एक्सप्लोर करूंगा, बात करूंगा। सो देखिए क्या होगा कि जैसे जैसे और फोर्स बढ़ रहा है, मतलब अब कटिंग नहीं हो रहा है तो आपका फोर्स बढ़ते जाएगा, कटिंग हो रहा था तो वो कट करके निकाल दे रहा था, अब और फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, कटिंग नहीं हो रहा है तो और फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, तो फोर्स बढ़ते जाएगा, तो एक टाइम आएगा अगर अगर ये जो एब्रेसिव जो ब्लंट हो गए हैं उसका जो बॉन्डिंग है, ये व्हील में देखो ये एम्बेडेड है, ये व्हील में एम्बेडेड है, ये व्हील में एम्बेडेड है, सो व्हील में जो एम्बेडेड मतलब व्हील के साथ उसका जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाए, अगर फोर्स इंक्रीज हो रहा है व्हील के साथ ये जो एब्रेसिव का बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाए, तो ब्रेक होके ये बाहर निकल जाएगा एब्रेसिव, ये जो एक्टिव लेयर है वो बाहर निकल जाएगा और पीछे के जो लेयर है वो नए एक्टिव लेयर बन जाएंगे, नए एक्टिव ग्रेन्स बन जाएंगे। दैट इज नोन एज सेल्फ शार्पनिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। इसको बोलते हैं सेल्फ शार्पनिंग, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ शार्पनिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। क्या बोला मैं,
कि भाई ये जब ब्लंट हो गया उसके बाद और फोर्स बढ़ रहा है, तो हो सकता है एक टाइम आया, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द हार्डनेस ऑफ द व्हील. हार्डनेस ऑफ द व्हील डजंट मीन हार्डनेस ऑफ एब्रेसिव, वॉन्ट टू बी नोटेड. ठीक, आगे बढ़ रहा हूं मैं. अब देखिए, ये आपका जैसे जैसे फोर्स बढ़ रहा है, तो ये जो ब्लंट आपके एब्रेसिव्स रहेंगे वो धीरे धीरे करके निकलना शुरू हो जाएगा. अब ये लेयर जैसे ही निकलेगा, तो नए जो ग्रेन्स हैं वो एक्टिव ग्रेन्स बन जाएंगे, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज सेल्फ शार्पनिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील. इफ फोर्स फर्दर इंक्रीजेस, इंक्रीजेस फोर्स अगर और इंक्रीज होता है, तो इफ फोर्स फर्दर इंक्रीजेस द ब्लंट ग्रेन्स पुल आउट फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, है ना, ग्राइंडिंग व्हील लिख लेना, ग्राइंडिंग व्हील, एंड उसी के आगे ग्राइंडिंग व्हील एंड न्यू एक्टिव ग्रेन्स कम इन एक्शन. दिस फिनोमिना और दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज सेल्फ शार्पनिंग, सेल्फ शार्पनिंग. सेल्फ शार्पनिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील. ठीक, सो इस तरीके से आपका होने वाला है. अब देखिए, अगर मैं बोलूं ग्राइंडिंग व्हील भी आपका एक कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है, और बाकी इससे पहले जो आपको मैंने पढ़ाया मिलिंग ड्रिलिंग, है ना, आपका शेपर, सब आपके कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है. बट आउट ऑफ ऑल कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, जो ग्राइंडिंग होता है उसमें जो स्पेसिफिक एनर्जी होता है वो ज्यादा होता है. स्पेसिफिक एनर्जी इज वॉट, यूअर पावर डिवाइडेड बाई मेटल रिमूवल रेट. इसमें सबसे ज्यादा होता है जितने भी कन्वेंशनल मशीनिंग है उसमें. अगर बाकी कन्वेंशनल मशीनिंग में मैं बोलूँ, तो 2 to 5 joule per mm cube वेरी करता है. इसमें अप्रॉक्स आपको दिखेगा 50 joule per mm cube के आसपास. ठीक, सो सबसे ज्यादा आपका जो स्पेसिफिक एनर्जी यूज होगा या जो मिलता है, मतलब देना पड़ता है स्पेसिफिक एनर्जी, है ना, वो होता है आपका ग्राइंडिंग व्हील में, मतलब ग्राइंडिंग ऑपरेशन में, इन कन्वेंशनल मशीनिंग, इन कन्वेंशनल मशीनिंग. ठीक, अब देखिए यहां पे ना आपका ग्राइंडिंग व्हील वियर हो रहा है, मेटल भी रिमूव हो रहा है. सो इसको एक टर्म से मेजर किया जाता है, एक टर्म में बात किया जाता है, दैट इज नोन एज ग्राइंडिंग रेशियो. सो एक टर्म लिख लीजिए, ग्राइंडिंग रेशियो, दैट इज योर GR, ग्राइंडिंग रेशियो, GR. ठीक, अब देखिए ग्राइंडिंग रेशियो क्या होता है. इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव्ड. मतलब यहां से कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल आप रिमूव कर रहे हैं, और उतने टाइम पे द वॉल्यूम ऑफ ग्राइंडिंग विल वियर. मतलब अगर ग्राइंडिंग व्हील का वियर हो रहा है मेटल रिमूवल में, तो वो कितना हुआ, तो दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज नोन एज ग्राइंडिंग रेशियो. इट इज रेशियो ऑफ, ग्राइंडिंग रेशियो इज, इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव्ड. इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव्ड टू वॉल्यूम ऑफ
ग्राइंडिंग विल बी अप. Grinding will wear. So grinding ratio can be written as volume of metal removed to the volume of grinding will wear. ठीक, where Vm is the volume of metal removal or metal removed, volume of material removed लिख देता हूँ. ठीक है, volume of material removed and VW volume of will be a ठीक. Let us assume, इसको थोड़ा सा ना अपन समझने की कोशिश करते हैं कि यार कोई grinding will रहा होगा, it is having initial dia di. di is what? Initial dia of grinding wheel. अब इसको मैं थोड़ी देर चलाया किसी मटेरियल के सरफेस पे, किसी वर्कपीस सरफेस पे, और वहां से मैंने देखा कि कितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव हुआ. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, इन जनरल जो वॉल्यूम ऑफ मेटल मटेरियल रिमूव होता है वो मेजर होता है, ऐसे तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ऐसा मेजरमेंट नहीं है, आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं रैंडमली ऑपरेशन, तो जितना अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव हुआ है उसको आप एक रेक्टेंगल में, है ना, रेक्टेंगल बॉक्स में पैक करके मेजर करते हैं. सो दैट इज मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव, है ना, ये मेजरमेंट प्रोसेस होता है. चाहो तो नहीं वो सवाल में दिया रहेगा, तो उसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है. सो लेट अस अज्यूम वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव्ड इज एल इंटू बी इंटू एच, मतलब एक रेक्टेंगल बॉक्स या रेक्टेंगुलर सरफेस का इतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम मटेरियल निकला है, एल इंटू बी इंटू एच. तो इतना अमाउंट ऑफ मटेरियल को निकालने के लिए जब ये व्हील चला, है ना, तो व्हील चला तो व्हील का जो लेयर है ऊपर का लेयर वियर हो गया. अब इस व्हील का जो डाया है वो इतना बच गया. लेट अस अज्यूम डी एफ. ठीक, डी एफ इज द फाइनल डाया, डी आई इज द इनिशियल डाया ऑफ द व्हील. और ये तो फ्रंट व्यू देख रहा हूं, इसको अगर मैं साइड में आके देखूं इस तरीके से कुछ दिखेगा ये व्हील, कि इतना इधर से निकल रहा है, इतना इधर से निकल रहा है, ये पोर्शन यहाँ से रिमूव हो रहा है, ये पोर्शन यहाँ से रिमूव हो रहा है, लेकिन ये जो है ये, इसको मैंने बोल दिया डब्लू. डब्लू इज द विड्थ ऑफ द व्हील. डी आई इनिशियल डाया, इनिशियल डाया ऑफ व्हील, आपका डी एफ फाइनल डाया ऑफ व्हील, फाइनल डाया ऑफ व्हील, एंड डब्ल्यू इज द विड्थ ऑफ व्हील. आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन, ना स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, नोट कर लिए होगे तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है भाई, यहां पे जैसे कि डी आई इज इनिशियल डाया ऑफ व्हील, डी एफ इज द फाइनल डाया ऑफ व्हील, डब्ल्यू इज द विड्थ ऑफ व्हील, विड्थ ऑफ व्हील. ठीक है, सब एमएम है, है ना. लास्ट में हो सकता है मैक्रॉन में पूछे, जैसा भी है, अगर मैक्रॉन में पूछ रहा है या मैक्रॉन में दिया है तो उसको एमएम में कन्वर्ट कर लेना. यूनिट बैलेंस करना आना चाहिए, मतलब ये रेशियो है, सो ऊपर का जो वॉल्यूम का यूनिट है और नीचे जो वॉल्यूम का यूनिट है वो सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना. ना माय डियर, ये जितना वियर हुआ है ना, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये यहां ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो वियर हुआ है, लेट अस अज्यूम इसको मैंने मान लिया डेल्टा,
तो इधर भी डेल्टा हुआ, इधर भी डेल्टा हुआ, ठीक, इतना पोर्शन ये डेल्टा मान लिया। डेल्टा इज नथिंग बट रेडियल वियर ऑफ द व्हील, डेल्टा इज रेडियल वियर ऑफ व्हील, डेल्टा क्या है आपका, रेडियल वियर है व्हील का, ठीक है। अब देखो यार, अगर यहां पे ध्यान से देखोगे, सो डी इनिशियल, डी इनिशियल कितना था यहां से लेके यहां तक, डी इनिशियल इक्वल टू डी फाइनल प्लस टू डेल्टा, प्लस टू डेल्टा, यही तो होना चाहिए ना। अगर मैं इनिशियल डाया, इनिशियल डाया और फाइनल डाया में रिलेशन बोलूं, तो एक्चुअली फाइनल डाया कम क्यों हुआ, क्योंकि उसमें ना टू डेल्टा अमाउंट ऑफ व्हील वियर हो गया। सो ये डी इनिशियल और डी फाइनल में रिलेशन हो गया, वेयर डेल्टा इज द व्हाट, रेडियल वियर ऑफ द व्हील। सो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ व्हील वियर निकालना चाहूं, सो इनिशियल एरिया पाई बाय फोर डी आई स्क्वायर माइनस पाई बाय फोर डी फाइनल स्क्वायर, जो कि यहां से निकाल सकते हो, ठीक, इनटू डब्ल्यू। ऐसा क्यों सर, बिकॉज ओनली ना ये डाया चेंज हो रहा है, विड्थ को अपन क्या माने हैं, कॉन्स्टेंट ही माने। सो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द व्हील वियर एंड आई कैन से नाउ ग्राइंडिंग रेशियो इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, आई कैन एज्यूम है ना, और दिया रहेगा वॉल्यूम कितना रिमूव किया वो, एंड दिस इज योर पाई बाय फोर डी इनिशियल स्क्वायर माइनस डी फाइनल स्क्वायर इंटू डब्ल्यू। सो दिस इज नोन एज ग्राइंडिंग रेशियो। सो ग्राइंडिंग रेशियो क्या बता रहा है, ग्राइंडिंग रेशियो एक रेशियो है जिसमें यह बता रहा है कि भाई कितना मटेरियल रिमूव होगा और उसके साथ आपका कितना टूल चला जाएगा, मतलब कितना टूल वियर होगा, दैट इज योर व्हील वियर होगा, उसके रेशियो को बता रहा है ग्राइंडिंग रेशियो। ठीक ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील डेजिग्नेशन देखिए किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से रहेगा है ना, आपका ना ये टर्म याद रखना, और जिसको भी जिस तरीके से याद है, जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ये जो चीजें हैं और मैं खुद के लिए ये चीजें फॉलो करता हूँ, कुछ मतलब ऐसी बातें जो याद रखने में आसानी हो जाए उस तरीके से चीजें मैं फॉलो करता हूँ, बाकी आपको जो लगता है वो याद रखिए है ना, जिस तरीके से जो लगता है वैसा याद रखिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है याद रखना। क्या याद रखना सर, जैसे कि मैं बोला आज गैंग गैंग से बात करेगी, ठीक, वह आज में ये ए इंपॉर्टेंट है, ये जी इंपॉर्टेंट है, ये जी इंपॉर्टेंट है, ये एस इंपॉर्टेंट है और ये बी इंपॉर्टेंट है। ये जो बता रहा है ए, इसका मतलब एब्रेसिव, एब्रेसिव के बारे में बताएगा पहला जो लेटर रहेगा वो, दूसरा जो रहेगा वो आपको बताएगा ग्रेन साइज और ग्रेट साइज और मेस साइज, ग्रेट साइज, ठीक। एब्रेसिव पहला जो रहेगा वो एब्रेसिव, दूसरा रहेगा जो वो बताएगा आपका ग्रेन साइज मेस साइज और ग्रेट साइज, तीसरा जो रहेगा वो बताएगा ग्रेड ऑफ व्हील, ग्रेड ऑफ व्हील और हार्डनेस ऑफ व्हील, हार्डनेस ऑफ व्हील। अब देखिए ये हार्डनेस ऑफ व्हील का मतलब या ग्रेड ऑफ व्हील का मतलब ये है कि आपका जो व्हील एब्रेसिव को कितना स्ट्रांगली वो होल्ड करके रखता है, दैट इज द हार्डनेस ऑफ व्हील। दैट डजंट मीन कि आपका जो एब्रेसिव का हार्डनेस मेजर करेगा, ये नहीं है भाई। ये क्या मेजर कर रहा है, जो एक्टिव ग्रेन्स थे उसको व्हील कितना स्ट्रांगली पकड़ के होल्ड करके रखेगा। अगर मैं बोला हार्ड व्हील
तो वो जो एब्रेसिव थे पेरिफेरी में उसको निकालना बहुत मुश्किल है, और मैं बोला सॉफ्ट व्हील, सो जो एब्रेसिव है पेरिफेरी में वो इजिली निकल जाएगा, सो दैट इज योर हार्डनेस ऑफ द व्हील। ठीक, एस एस जो दिख रहा है वो बताएगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बताने वाला है कि ओपन स्ट्रक्चर है, डेंस स्ट्रक्चर है, जो आपके ग्रेन्स है उसके बीच का जो गैप है वो डेंस है कि ओपन है, उसके बारे में बात करेगा। एंड बी इज यूज्ड फॉर बॉन्डिंग, बॉन्डिंग। ठीक, सो ये याद रखना, आज गैंग गैंग से बात करेगी, आज गैंग गैंग से बात करेगी। आज ए फॉर एब्रेसिव, जी फॉर ग्रेन साइज और मेस साइज, जी फॉर योर ग्रेट विल, ग्रेट ऑफ विल और हार्डनेस ऑफ विल वही कहलाता है ना, और एस फॉर स्ट्रक्चर एंड बी फॉर बॉन्डिंग। देखिए इन जनरल अगर मैं बोलूं, जैसे कि इस तरीके से दे दिया, सो यार मैंने तो आपको इन्फॉर्मेशन कितना दिया है कि एक एब्रेसिव होगा, एक दो तीन चार पांच, लेकिन जब मैं इसको डिनोट कर रहा हूं तो इतने सारे लिख दिया। सो एक्चुअली याद रखना बेटा, पांच की ही जरूरत है, पांच की ही जरूरत है। ये जो स्टार्टिंग है दिया रहेगा नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में डिपेंड करता है, और ये जो लास्ट है वो दिया रहेगा नहीं दिया रहेगा वो डिपेंड करता है। एक्चुअली स्टार्टिंग और जो लास्ट होता है वो मैन्युफैक्चरिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए जो ग्राइंडिंग व्हील है वो बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, और बहुत सारी जब कंपनीज बनाती है तो अलग अलग कंपनी का अपना आइडेंटिफिकेशन होगा यार। ठीक, सो आपका इस पे ऑब्वियसली हमको ध्यान नहीं देना है, दिस इज योर आइडेंटिफिकेशन, मैन्युफैक्चरर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिफिकेशन नंबर ठीक, मैन्युफैक्चरर आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ठीक, सो ये वाला और ये वाला हो सकता है ना दिया रहे, ना दिया रहे, और हो सकता है दिया रहे। ठीक, सो कैसे पहचानेंगे सर कि कौन सा क्या है? सो याद रखना, पहला वर्ड अगर मैं मतलब जो ग्राइंडिंग व्हील डेजिग्नेशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें पांच चीज़ों के बारे में बात किया, एक एब्रेसिव, एक ग्रेन साइज, एक ग्रेड और एक स्ट्रक्चर और एक बॉन्डिंग। ठीक, सो 1 2 3 4 5, सो इसका जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा अल्फा न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक अल्फा, अल्फा से शुरू होगा, मतलब अल्फाबेटिक रहेगा पहले, उसके बाद न्यूमेरिक रहेगा, उसके बाद फिर अल्फाबेटिक, फिर न्यूमेरिक, फिर अल्फाबेटिक, इस तरीके से। सो आपका पहला रहने वाला है जो एब्रेसिव रहेगा वो अल्फाबेटिक में रहेगा, अल्फाबेटिक देंगे, जो ग्रेन साइज वो न्यूमेरिक रहेगा, जो आपका ग्रेड है वो फिर से अल्फाबेटिक में रहेगा, जो स्ट्रक्चर है वो न्यूमेरिक में रहेगा, और ये जो है फिर से अल्फाबेटिक में होगा। मतलब अगर मैं बोलूं ये जो दिया हूं उसमें आपको पहचानने के लिए कि कौन सी चीज क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये एब्रेसिव बता रहा होगा। कौन सा एब्रेसिव है मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, कौन सा एब्रेसिव बता रहा होगा वो देखेंगे, ये एब्रेसिव बता रहा होगा लेकिन, है ना, अल्फाबेटिक है। उसके बाद न्यूमेरिक मतलब ये ग्रेन साइज बता रहा होगा, पक्का है ये ग्रेन साइज बता रहा होगा, ये जो बता रहा होगा ये ग्रेड ऑफ व्हील बता रहा होगा या हार्डनेस ऑफ व्हील बता रहा होगा, ठीक, ये जो है वो क्या बता रहा होगा, स्ट्रक्चर ओपन है कि डेंस है, मतलब स्ट्रक्चर बिटवीन व्हाट ग्रेन्स, जो दो ग्रेन्स आपस में रहेंगे है ना आसपास, उसके बीच का गैप, ठीक, स्ट्रक्चर बताएगा। और ये जो वी है वो क्या बता रहा होगा, बॉन्ड, बॉन्डिंग बता रहा होगा कि किस तरीके का बॉन्डिंग है। ठीक, सो इस तरीके की चीजें आपको ध्यान रखना है भाई, अगर इतना अभी जितना मैं बताया हूं वो ध्यान रख लिए तो ऑलमोस्ट आप ग्राइंडिंग में बहुत चीजें जान लिए हैं।
अब किस तरीके से क्या होता है उसके बारे में मैं बात करूंगा, है ना। नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए भाई, आपके कॉपी में होना चाहिए प्रॉपर, और इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले एब्रेसिव के बारे में अगर मैं बात करूँ, एब्रेसिव्स जो यूज होते हैं, मेनली तीन तरीके के एब्रेसिव आपको ग्राइंडिंग व्हील में देखने को मिलेंगे। अगर ए लेटर यूज हुआ उसका मतलब है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव आप उस व्हील में इस्तेमाल कर रहे होंगे अगर ए लेटर नजर आया तो। ठीक, जैसे एब्रेसिव की जगह ए लेटर नजर आया, सो एल्युमिनियम ऑक्साइड। और इन जनरल एल्युमिनियम ऑक्साइड ना सॉफ्ट मटेरियल या थोड़ा सा मीडियम हार्ड या मैं बोलूं सॉफ्ट और मेनली डक्टाइल मटेरियल के लिए ये इस्तेमाल होता है, सॉफ्ट एंड डक्टाइल वर्कपीस के लिए यूज होने वाला है। कौन सा? एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव। ठीक, अगर ए की जगह जो आपका एब्रेसिव बता रहा था, फर्स्ट लेटर जो था वो एब्रेसिव बता रहा था, तो एब्रेसिव की जगह ए की जगह अगर मतलब जो ए लेटर था उसकी जगह सी दिखाया, इसका मतलब है आपका कार्बाइड्स, कार्बाइड्स। लाइक अगर मैं बोलूं तो सिलिकॉन कार्बाइड, और एक CBN भी होता है, दैट इज योर क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड। ठीक है ना, सो ये आपके क्या है, ये एब्रेसिव्स है विच इज गोइंग टू बी यूज्ड ऑन द ग्राइंडिंग व्हील, ऑन द ग्राइंडिंग व्हील। सो अगर मैं बोलूँ सिलिकॉन कार्बाइड या CBN, तो सिलिकॉन कार्बाइड नॉर्मली हार्ड मटेरियल के लिए प्रिफर किया जाता है, सो यूज्ड फॉर द हार्ड वर्क पीस, हार्ड एंड ब्रिटल वर्क पीस। हार्ड एंड ब्रिटल वर्कपीस। अगर ए और सी ना लिख के डी लिख दिया मैं, सो उसका मतलब है आप डायमंड एब्रेसिव यूज कर रहे हैं, डायमंड एब्रेसिव यूज कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कन्वेंशनल मशीनिंग में डायमंड एब्रेसिव प्रिफर नहीं किया जाता, बिकॉज एज यू नो कि डायमंड इज कॉस्टली, एंड इफ देयर इज टूल वियर, पता चल रहा है कि आप जितने का मशीनिंग नहीं कर रहे उससे ज्यादा आपका टूल वियर हो गया, आपको उससे ज्यादा खर्च करना पड़ा गया, ऑब्वियसली नॉट फिजिबल। अगर मैं बोलूं कहां यूज होता है सर, तो ये यूज किया जाता है स्पेशल प्रिसीजन मशीनिंग में या आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, सो इट एंड नॉर्मली नॉट प्रिफर बिकॉज इट इज कॉस्टली, अगर यूज होगा सो वेरी हार्ड मटेरियल के लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो फिजिबल होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए। अगर मैं बोलूं डियर आपका मे बी वेरी हार्ड मटेरियल के लिए जहां पे CBN यूज हो सकता है वहां पे CBN यूज करोगे, ये प्रिफर नहीं किया जाएगा बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, डायमंड इज कॉस्टली। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज अबाउट एब्रेसिव। सो ये जो लेटर था ए, मे बी ए दिया है, मतलब वो क्या हो गया आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा। ए की जगह अगर सी दिया रहता तो वो कार्बाइड होता, अगर सी की जगह डी दिया रहता तो वो डायमंड होता। सो इस तरीके से आपको एब्रेसिव पहचानना रहेगा। ठीक, उसके बाद ग्रेन साइज और मेस साइज, और ग्रिड साइज जिसको बोलते हैं। ठीक, सो अगर मैं बोलूं ये 10 to 30 अगर दिया है, जो कि आपको किताब में थोड़ा बहुत वेरिएबल दिखेगा अलग अलग किताब में, लेकिन ऑलमोस्ट जो रेंज रहेगा वो ऐसे ही दिखेगा। सो 10 to 30 इज यूज फॉर द कोर्स ग्रेन्स, कोरस ग्रेन्स के लिए यूज होते हैं। सो कोरस ग्रेन साइज 10 to 30, जो जैसे 27 यूज कर रहा था तो वो क्या था, कोर्स ग्रेन्स था। ठीक, 30 to 80 मीडियम ग्रेन्स के लिए यूज होता है, एटी टू 200 फाइन ग्रेन्स के लिए यूज होता है, टू 100 to 600 वेरी फाइन ग्रेन्स के लिए ये नंबर यूज होता है। वेरी फाइन ग्रेन्स, ठीक, मतलब एक चीज देख रहे हो, नंबर कम है तो ग्रेन का साइज बड़ा, कोर्स ग्रेन, नंबर बढ़ते जा रहा है तो ग्रेन का साइज
कम होते जा रहा है। तो ये याद रखना बेटा, है ना, इस तरीके से दिया जाता है कि कोर्स ग्रेन्स मतलब 10 to 30 के बीच में है, 30 to 80 के बीच में मतलब आपका मीडियम ग्रेन्स, अगर 80 to 200 के बीच में तो फाइन ग्रेन्स, और आपका 200 to 600 के बीच में तो दैट इज योर वेरी फाइन ग्रेन्स, इस तरीके से दिया जाता है। अगर मैं बोलूं आपका एक रफिन ऑपरेशन, रफिंग ऑपरेशन कर सकते हो, एक आप फिनिशिंग कर सकते हो, एक आप हार्ड मटेरियल के लिए परफॉर्म कर सकते हो और एक सॉफ्ट मटेरियल के लिए परफॉर्म कर सकते हो। अगर मैं कहूं कि आप रफिंग कर रहे हो, रफिंग कर रहे हो, सो कोर्स ग्रेन यूज करोगे आप, आपको कोर्स ग्रेन यूज करना चाहिए, कोर्स ग्रेन्स यूज करना चाहिए, ठीक। ग्रेन बड़ा सो उसका स्ट्रक्चर ज्यादा ओपन रहता है। रफिंग में अगर मैं बोलूं, रफिंग मतलब क्या हुआ सर, रफिंग मतलब आपका मेटल रिमूवल ज्यादा होगा, मेटल रिमूवल ज्यादा है मतलब चिप ज्यादा निकलेगा। अगर चिप ज्यादा निकला तो उसको निकलने के लिए जगह चाहिए, उसको निकलने के लिए जगह चाहिए तो स्ट्रक्चर ओपन चाहिए, आगे मैं बात करूंगा। सो आपका कोर्स ग्रेन रफिंग के लिए प्रीफर किया जाता है, फिनिशिंग के लिए फाइन ग्रेन प्रीफर किया जाता है, फाइन ग्रेन्स। हार्ड के लिए, हार्ड मटेरियल है तो आपका फाइन ग्रेन ही प्रीफर किया जाता है, फाइन ग्रेन्स। अगर सॉफ्ट मटेरियल है, क्योंकि ज्यादा मेटल रिमूवल देखने को मिलता है, ज्यादा चिप देखने को मिलता है सॉफ्ट में, तो फिर से आपको यहाँ पे कोर्स ग्रेन यूज करना चाहिए, कोर्स ग्रेन्स, ठीक। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। इसके बाद क्या था, आज गैंग, गैंग से बात करेगी, मतलब गैंग से एक तो था आपका ग्रेन साइज और मेश साइज, एक था ग्रेड ऑफ व्हील और हार्डनेस ऑफ व्हील, ग्रेड ऑफ व्हील और इसी को और क्या बोल रहे थे, हार्डनेस ऑफ व्हील। कैसा था ये, अल्फाबेटिक था, ये न्यूमेरिक था, ये अल्फाबेटिक था, तो अल्फाबेटिक में ए सी डी हो सकता है, न्यूमेरिक में ये हो सकते हैं, इसमें वापस अल्फाबेटिक। सो अगर अल्फाबेटिक ए से एच कोई भी, ए बी सी डी ई एफ जी एच यहां तक कोई भी यूज हो रहा है, उसका मतलब आपका जो व्हील है वो सॉफ्ट व्हील है, वो सॉफ्ट व्हील है। सॉफ्ट व्हील मतलब जो आपके ग्रेन्स है वो आसानी से निकलते जाएंगे, मतलब सेल्फ शार्पनिंग की जो टेंडेंसी है वो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, ठीक। आई टू पी अगर मैंने बोला तो ये मीडियम व्हील है, मीडियम व्हील है, और क्यू टू जेड ये आपका हार्ड व्हील के बारे में बताएगा। हार्ड व्हील मतलब दैट इज नथिंग बट कि ये आसान नहीं होगा, जो ग्रेन्स होंगे उसको पेरिफेरी से निकालना या निकलना आसानी से नहीं निकलेगा। सो ये जो प्रिफर होता है, अगर आपका वर्कपीस हार्ड है, वर्कपीस हार्ड है, हा ना, सो हार्ड वर्कपीस के लिए आप सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील, सॉफ्ट व्हील इस्तेमाल करने वाले हो, ठीक। ऐसा क्यों सर, बिकॉज जब हार्ड वर्कपीस को आप मशीनिंग करने जाएंगे तो होगा क्या कि अगर उसकी जगह आप सॉफ्ट व्हील की जगह हार्ड व्हील यूज करने गए, तो हार्ड व्हील यूज करने जाओगे ना, तो वो थोड़ी देर के बाद ऑब्वियसली हार्ड सरफेस का, आप हार्ड वर्कपीस का मशीनिंग करने जा रहे हो, हार्ड वर्कपीस का मशीनिंग करने जा रहे हो विद द हार्ड व्हील, जिसका हार्ड व्हील मतलब क्या हुआ कि वो आसानी से लेयर को बाहर निकलने नहीं देगा, तो थोड़ी देर बाद वो ब्लंट हो जाएगा, जो लेयर है एक्टिव ग्रेन्स के लेयर ब्लंट हो जाएंगे, उसके बाद आपको उसका क्या करना पड़ेगा, अपने को वहां से जो टूल है, है ना, उसका जो व्हील है, व्हील है तो उसका ऊपर का सरफेस के जो ब्लंट ग्रेन्स हैं उसको निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, है ना, इसको बोलते हैं शार्पनिंग, और मैं बोलूं रीग्राइंडिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, इस तरीके से भी कह सकते हो, ठीक है ना। सो क्या होता है कि ये जैसे व्हील हो गया, ये व्हील हो गया, है ना, अब इसके पेरिफेरी के जो ग्रेन्स हैं वो ब्लंट हो गए,
वो ब्लंट हो गया, हार्ड था तो ब्लंट हो गया। अब इसको वापस मैं ये लेयर निकालने के लिए कहाँ ले गया, लेथ पे ले गया, वहां से निकाला, फिर आया। सो इस तरीके से अगर मैं करूंगा ना तो ये फिजिबल नहीं होने वाला। लेकिन अगर हार्ड वर्क पीस के साथ सॉफ्ट व्हील यूज किया तो क्या होगा, कटिंग करते 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 वो सेल्फ शार्पनिंग की प्रॉपर्टी को एक्टिव रखेगा और बहुत देर तक मैं आसानी से कटिंग कर सकता हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ पे टूल वियर मुझे एक्सेप्टेबल है बिकॉज मुझे ये फिजिबिलिटी देता है, मुझे ये फिजिबिलिटी देता है, दैट्स व्हाई। सो आपका हार्ड वर्क पीस के लिए सॉफ्ट व्हील यूज होगा, मीडियम वर्क पीस के लिए मीडियम व्हील और सॉफ्ट वर्क पीस के लिए हार्ड व्हील यूज किया जाता है, हार्ड व्हील यूज किया जाता है, ठीक। सो दिस इज अबाउट योर व्हाट ग्रेड ऑफ व्हील और हार्डनेस ऑफ व्हील, ठीक। आज गैंग गैंग से बात करेगी एज फॉर स्ट्रक्चर। सो ये अल्फाबेटिक न्यूमेरिक। सो 0 से 7 और 8 से 16। 0 से 7 मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है वो डेंस्ड स्ट्रक्चर है, डेंस, और 8 से 16 तो ये ओपन स्ट्रक्चर है, ओपन स्ट्रक्चर, ठीक। मतलब क्या होगा कि दो ग्रेन है, इसके बीच का गैप ये वाला, ऐसा पूरा व्हील रहेगा जी, ऐसा पूरा व्हील रहेगा। सो ये वाला गैप, सो इसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रक्चर। सो ओपन है मतलब गैप ज्यादा है, डेंस है मतलब गैप कम है, ठीक। अगर मैं कहूं आपको रफिंग कर रहे हो फिर से, सो आपको रफिंग में ज्यादा चिप चाहिए है ना, ज्यादा चिप निकालना है, सो आप ओपन स्ट्रक्चर के लिए जाने वाले हो। सॉफ्ट मटेरियल का यूज कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपका ज्यादा मटेरियल यूज होता है तो ओपन स्ट्रक्चर का यूज करना चाहिए। फिनिशिंग के लिए अगर मैं बोलूं, फिनिशिंग के लिए सो आप डेंस स्ट्रक्चर यूज करेंगे, और हार्ड मटेरियल के लिए भी इन जनरल डेंस स्ट्रक्चर प्रिफर किया जाता है, ठीक। अब देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि आप रफिंग के लिए आप डेंस स्ट्रक्चर फॉलो कर दिए, रफिंग के लिए आपने डेंस स्ट्रक्चर फॉलो कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। अगर कर दिए तो क्या होगा, डेंस स्ट्रक्चर मतलब गैप कम होगा। अगर मैं बोला कि ये ओपन स्ट्रक्चर है, लेट अस असम ना ये ओपन स्ट्रक्चर है और ये डेंस स्ट्रक्चर है, ये दो एब्रेसिव के बीच का ओपन स्ट्रक्चर है, ये डेंस स्ट्रक्चर है, तो होगा क्या कि जो चिप आएगा कटिंग के दौरान, सो अगर ओपन रहेगा तो यहां से आसानी से निकल जाएगा, कटने के बाद में ये निकल जाएगा, लेकिन इसमें ये फंस जाएगा एंड दिस इज नोन एज क्लॉगिंग। इसी को क्या कहते हैं, क्लॉगिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। क्लॉगिंग क्या हुआ, क्लॉगिंग इज नथिंग बट जो चिप रहेगा, चिप विल बी स्टक इनसाइड द गैप बिटवीन एब्रेसिव्स, दैट इज नोन एज क्लॉगिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ऑब्वियसली वो ब्लंट हो गया, वो मतलब अब गैप को अगर भर दिया तो शार्प एज दिखेगा नहीं, शार्प एज मतलब एक्टिव नहीं रह पाएगा और कटिंग होगा नहीं, सिर्फ व्हील घूमते रह जाएगा, ठीक है, दैट्स व्हाई आप प्रिफर नहीं करोगे। सो ये नोट कर लीजिए, इसको इरेज करता हूं भाई। अब देखिए, आज गैंग से बात करेगी बी फॉर बॉन्डिंग। बॉन्डिंग भी वैरायटी, बहुत सारे बॉन्डिंग होते हैं। अगर मैं बोलूं आपका जो वी लेटर यूज होता है वो विट्रीफाइड
बॉन्ड के लिए यूज होता है, विट्रीफाइड बॉन्ड। ठीक, अगर मैं बी लेटर का बात करूं, बी लेटर अगर यूज हो रहा है तो रेजिनॉइड बॉन्ड। ठीक, रेजिनॉइड बॉन्ड, विट्रीफाइड बॉन्ड। अगर आर यूज हो रहा है सो रबर बॉन्ड। सो इस तरीके से ये सब बॉन्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है भाई, ठीक। सो दिस इज अबाउट योर ग्राइंडिंग प्रोसेस। सो ग्राइंडिंग प्रोसेस में मुझे लगता है इतना इनफ है फॉर द गेट एग्जामिनेशन। अपन देख लेते हैं कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, है ना। सो नोट कर लीजिए आराम से इसको, और उसके बाद सवाल के बारे में मैं बात करता हूँ। आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन ना। ठीक है भाई, सवाल देखते हैं। वर्कबुक का ग्राइंडिंग व्हील का क्वेश्चन दे रखा हूँ मैं, ग्राइंडिंग का क्वेश्चन दे रखा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20। और ये पीडीएफ होना चाहिए भाई, सवाल पढ़ा करो, सवाल पढ़ा करो। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे गिवन डेटा दे दिया और उसी के भरोसे चल रहे हो। वो पर्टिकुलर टाइम पे कुछ सवाल के लिए मैं जब बात करता हूँ उसमें चीज़ें भी बता देता हूँ, लेकिन जो वर्डिंग्स है ना वो पढ़ने से आपको और आइडिया मिलेगा, बिलीव मी। ठीक है ना, आप प्रिपरेशन स्टेज में हो तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हो या कहाँ कहाँ लैक कर रहे हो। सो वो चीज़ें मैं पॉइंट आउट करते जाऊँगा, और बाकी आप खुद से सोचिए कि हाँ भाई ये चीज़ें क्या मैंने किया था या नहीं किया था। ठीक, सो चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20। आपका जो क्रैश कोर्स का आपको वर्कबुक मिला है, जिनको नहीं मिला है वो वरी मत कीजिए, आप जाइए टेलीग्राम में, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो पिन कमेंट में आपको दिख जाएगा नीचे। यूट्यूब में आप लेक्चर देख रहे हैं तो यूट्यूब आपको चलाने भी आना चाहिए प्रॉपर तरीके से, तो नीचे जाएंगे तो कमेंट में आपको पिन कमेंट में आपको दिख जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां जाके ज्वाइन कर लो और वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक यार, आप बोलोगे कि सर हमको भेज दो, अरे सर नहीं कर पाएंगे इतना। वहाँ पे मिल जाता है, वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे अवेलेबल है, चीज़ें आपको आराम से मिल जाएंगी, है ना। और स्टूडेंट एक दूसरे की मदद करते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। ठीक, और मुझे लगता है कि जितनी चीज़ें अपन बात करते हैं उसके बाद ना ऑलमोस्ट जो एक अच्छा स्टूडेंट रहता है, ऑब्वियसली है ना, ऐसा नहीं है कि सबके सब स्टूडेंट एक बार में सारी चीज़ों को हाँ भाई ये चीज़ होता है, ये चीज़ होता है, इस तरीके से वो नहीं सोच सकता, सब स्टूडेंट नहीं सोच सकते हैं, है ना। और वो उनमें से मैं भी एक कभी रहा हूँ कि तुरंत मुझे भी क्लिक नहीं करता था। सो मैं क्या करता था कि रिवाइज करता था, प्रैक्टिस करता था, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ मित्रों से पूछता था, दोस्तों से पूछता था, अपने सीनियर्स से पूछता था, है ना। तो हमारे टाइम पे सीनियर जूनियर वाली बातें बहुत रहती थी, तो हमारे सीनियर बहुत हेल्प करते थे हम लोगों की। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रखा है कि अ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज, ये दे रखा है A46 M6 V21। यार अल्फाबेटिक न्यूमेरिक। सो यहीं तक रहेगा, बाकी तो ये तो आपका मैन्युफैक्चरर आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो उसका मतलब नहीं है, सिर्फ इतने में अपने को देखना रहेगा। इसमें कह रहा है इट मींस अ व्हील ऑफ मेस साइज के बारे में बात किया है और आपका एब्रेसिव एल्युमिनियम ऑक्साइड। सो यस, ए फॉर एल्युमिनियम ऑक्साइड। दूसरा क्या दिया ऑप्शन में, बोरान और सिलिकॉन कार्बाइड। सो ना तो सिलिकॉन कार्बाइड होगा ना तो बोरान कार्बाइड होगा, है ना। मेनली आपका ये क्या होने वाला है, ए फॉर एल्युमिनियम ऑक्साइड। ए फॉर ये बता दिया एल्युमिनियम ऑक्साइड के बारे में, और इसमें मेस साइज, सब में मेस साइज बोला है, तो यार सेकेंड वो जो रहता है न्यूमेरिक वो मेस साइज। सो एल्युमिनियम ऑक्साइड का 46 मेस साइज होगा। सो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन सी इज करेक्ट। कोई बड़ी चीज थी नहीं था ना, पढ़ लिए तो कोई बड़ी चीज नहीं पढ़े रहते तो क्या दिया भाई, पढ़ लिए तो आसान हो गया। ठीक, आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करता हूं। कह रहा है अ ग्राइंडिंग व्हील। क्वेश्चन नंबर 21 A27। ए मतलब एब्रेसिव, फिर से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 27 K7V ये दे रखा है, इज स्पेसिफाइड फॉर फिनिशिंग ग्राइंडिंग, है ना। फिनिश ग्राइंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्या था,
फिनिश ग्राइंडिंग के लिए सबसे पहली बात आप यूज कर रहे थे है ना, जो आपका ग्रेन साइज था वो फाइन होना चाहिए फिनिश ग्राइंडिंग के लिए। सो यहां पे ग्रेन साइज क्या बता रहा है, कोर्स बता रहा है, कोर्स बता रहा है। बाकी चीजों को मैं कंसिडर भी कर लूंगा, लेकिन ये तो कोर्स नहीं होना चाहिए ना, ये तो फाइन चाहिए मुझे फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए। सो एज पर द ऑप्शन इसमें क्या पूछा है, ये ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड फॉर फिनिशिंग, फॉर फिनिश ग्राइंडिंग ऑफ अ एचएसएस कटिंग टूल, दैट इज वर्क हार्ड मान लिया मैं, ठीक। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द व्हील फ्रॉम द अबव कोड, इज दिस एन अप्रोप्रिएट चॉइस। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो बिकॉज एब्रेसिव इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन सी ग्रेन साइज इज नॉट करेक्ट। एब्रेसिव मैं मान सकता हूं कि मीडियम हार्ड और सॉफ्ट के लिए, डक्टाइल के लिए, क्योंकि एचएसएस उस कैटेगरी में डाल सकता हूं, क्योंकि हाई स्पीड स्टील है, स्टील है, सो मैं उस कैटेगरी में डाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सो एब्रेसिव ठीक है भाई, चलेगा एब्रेसिव चलेगा। लेकिन अगर मैं ग्रेन साइज के बारे में बात करूं, ग्रेन साइज बिल्कुल नहीं चलेगा। सो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पे एब्रेसिव साइज आपको फाइन चाहिए था, ठीक है ना, ग्रेन साइज आपको कैसा चाहिए था, फाइन चाहिए था। लास्ट बोला है ग्रेड ऑफ द, ग्रेड अगर मैं बोलूं के है ना, तो किस में आ जाएगा, वो हार्ड में आ जाएगा, तो ग्रेड दैट्स ओके, ठीक है ना। कि अगर मैं बोलूं HSS को अपन इस कैटेगरी में डाल रहे हैं कि सॉफ्ट डक्टाइल, डक्टाइल के कैटेगरी में तो आएगा ही आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है ना, स्टील है इसलिए, ठीक। सो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ ऑप्शन सी इज करेक्ट। फोकस करो कि कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर होगा, क्योंकि कंफ्यूजन रहेगा, आपको सोचना है कि भाई कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा, हाँ ग्रेन साइज यस, ठीक। सो इस तरीके से आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में अगर मैं बात करूं, कह रहा है ग्राइंडिंग रेशियो 200, ग्राइंडिंग रेशियो वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव टू द वॉल्यूम ऑफ व्हील वियर इक्वल टू 200 दे रखा है। इंप्लाइज दैट ग्राइंडिंग व्हील वियर्स 200 टाइम्स, ग्राइंडिंग व्हील वियर्स 200 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम मटेरियल रिमूव्ड, ग्राइंडिंग व्हील वियर्स 200 टाइम्स, यार वी एम इक्वल टू 200 VW, मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर, कि वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूवल इज 200 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ व्हील रिमूव्ड, वॉल्यूम ऑफ व्हील रिमूव्ड मतलब जितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, जैसे मैंने बोला कि 10 mm cube आपका 10 mm cube आपका ग्राइंडिंग व्हील का वियर हुआ, सो 10 × 200 मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो 2000 mm cube आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द मेटल रिमूवल होगा। सो ऑब्वियसली ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि उसमें क्या बोला है, ग्राइंडिंग व्हील वियर्स 200 टाइम्स, ग्राइंडिंग व्हील वियर्स 200 टाइम्स थोड़ी हो रहा है भाई, आपका ये ज्यादा है ये कम है ऑब्वियसली। सो दूसरा क्या मिल रहा है, दूसरा बोला है ग्राइंडिंग व्हील वियर्स 0.005 टाइम्स, यस। सो यहां से अगर मैं बोलूं ये हो जाएगा वी एम डिवाइडेड बाई 200, इट मींस दैट 0.005 VM, सो ग्राइंडिंग व्हील वियर्स 0.005 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव्ड, यस। सो दिस इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन, सी और डी का तो रिलेवेंस ही नहीं है, ठीक है ना, बात ही नहीं करेंगे। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है द बेस ऑफ ब्रास, ब्रास इज कंसिडर्ड टू बी सॉफ्ट मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल के कैटेगरी में डालना चाहिए ब्रास को, ठीक। ब्रेक इट हैज टू बी रफ ग्राउंड टू रिमूव द अनइवननेस, रफ रफ सरफेस है, ठीक है ना, रफ अपन इसमें परफॉर्म करने वाले हैं, रफिंग परफॉर्म करने वाले हैं। सो द व्हील अवेलेबल इन द स्टोर, व्हील अवेलेबल चार ऑप्शन दे रखा है। सबसे पहली बात, ये ब्रास सॉफ्ट के कैटेगरी में है, तो आप एब्रेसिव यूज करने वाले हैं, दैट इज योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद
अगर अगर मैं कहूँ सो दैट इज नथिंग बट रफिंग है, तो कोर्स ग्रेन्स, कोर्स ग्रेन्स 30 कोर्स ग्रेन्स दे रखा है। ठीक, उसके बाद के, यस आई से एस तक क्या था? मीडियम, तो मीडियम रेंज में आप डाल सकते हैं इसको, है ना, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के, मीडियम रेंज में आ जाएगा। 12 दैट इज योर व्हाट? ओपन स्ट्रक्चर, रफिंग ऑपरेशन है, ओपन स्ट्रक्चर एंड विट्रीफाइड बॉन्ड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन, बिकॉज आप अगर सी कार्बाइड यूज कर रहे हैं, चलो किसी ने बोला सर मैं तो कार्बाइड यूज करना चाह रहा हूं, कर ले भाई कार्बाइड यूज कर ले, लेकिन 90 अगर मैं बोलूं वो तो फाइन ग्रेन हो जाएगा, और फाइन ग्रेन क्या रफिंग ऑपरेशन के लिए फिजिबल है? क्या नहीं है? ठीक, चलो सी कार्बाइड, सी कार्बाइड और 30 30, है ना, चलो सर कोर्स ग्रेन यूज कर लिया आप बोले तो। उसके बाद क्यू, चलो मीडियम यूज कर लिए। उसके बाद 12 और वी। अब देखो आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन ए में अपने को दिक्कत होना चाहिए, लेकिन वो कौन क्लियर करेगा? वो एब्रेसिव क्लियर कर दिया कि कार्बाइड किसके लिए यूज करते हो, मोस्टली आप हार्ड मटेरियल के लिए यूज करते हो, दैट्स व्हाई एब्रेसिव इंपॉर्टेंस प्ले रोल हियर। ठीक ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है, अ ग्राइंडिंग व्हील मार्क्ड A48 L7 V25। सो 25 का कोई मतलब नहीं है, शुरू के इतने हैं। इसमें कह रहा है L रिफर्स टू, L क्या बता रहा है भाई? L बताओ यार, आज गैंग गैंग से बात करेगी, एब्रेसिव ग्रेन साइज, ये ग्रेड ऑफ व्हील। एल क्या बता रहा है? ग्रेड ऑफ व्हील और हार्डनेस ऑफ व्हील। सो ऑप्शन में दे रखा है एब्रेसिव टाइप, नहीं, व्हील स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं, व्हील हार्डनेस यस बिल्कुल सही। सो दैट इज योर ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन। ठीक, ग्राइंडिंग 25, क्वेश्चन नंबर 25, ग्राइंडिंग रेशियो इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव्ड और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव टू द वॉल्यूम ऑफ विल वियर, दैट इज योअर ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन बहुत आसानी से, जैसे कि मैं तो देखा, हाँ इतने आसानी से इतने सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गए, तो जितना पढ़ाया गया उतने को कैरी करके चले जाइए, अगर आया तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। ठीक, सो दिस इज अबाउट यूर ग्राइंडिंग, है ना। सो ग्राइंडिंग के बारे में बातें हो गई, तो आप अभी तक बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। और जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो मशीनिंग खत्म हो गया, जैसे बहुत लोग आप कह रहे थे कि इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग सर, इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग, है ना, वो मेरे ऊपर है, मैं सोच रहा हूँ अभी। वैसे इन जनरल इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग, मशीनिंग पूरा पढ़ने के बाद इकोनॉमिक्स होना चाहिए। सो मैं तो अभी मेटल फॉर्मिंग का प्लान है मेरा, आगे मेटल फॉर्मिंग का प्लान है। रिस्पॉन्स जिस तरीके से मिल रहा है, वैसे ही अगर मिलते रहा तो आपको इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग भी पढ़ा दूंगा यार। वो तो मतलब ऐसा है ना कि आप रिटर्न करो कुछ चीज़ें मुझे, और मुझे दिख रहा है कि आप बहुत लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा और कर ही रहा हूँ, कर ही रहा हूँ, है ना। जैसे इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग की बात कर रहे हैं, सो देखते हैं, है ना, आपका रिस्पांस आज से वो मैं लास्ट टॉपिक के आसपास रखूंगा वो, और देखता हूँ वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। लेकिन जितना पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते जाइए, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और दो फॉर्मूला होता है, खत्म है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं रखा है। लेकिन अगर बात हो रही है, या कई लोग तो स्मार्ट होंगे जो खुद से पढ़ लिए होंगे, अभी तक नहीं पढ़े कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना, बहुत अच्छी चीजें चली तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक, सो ठीक है भाई, बाकी आप पढ़िए बहुत अच्छे से, जान लगाइए, है ना, और लगातार रिविजन जरूरी है, जिस तरीके से लेक्चर्स बढ़ते जा रहे हैं इसके लिए आपको रिविजन करना जरूरी है। सो डियर पढ़िए, मस्त से पढ़िए। अगेन हैप्पी इंजीनियर्स डे एंड थैंक यू इस लेक्चर को देखने के लिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, लव यू ऑल।